नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, 24 जुलाई 2023 को एक माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जजमेंट आई है और इस जजमेंट में जो है वो चैलेंज किया गया है बेल के ऑर्डर को, हाई कोर्ट के जो बेल के ऑर्डर को। यहाँ पर अपीलेंट है जो डिसीज्ड के ब्रदर हैं, उन्होंने चैलेंज किया था कि और रिस्पोंडेंट्स को जिन्होंने बेल ग्रांट कर दी गई थी हाई कोर्ट द्वारा। तो यहाँ पर ये चैलेंज ये किया गया था कि 302 का केस था और 302 के केस में जो हाई कोर्ट ने जो है वो बेल ग्रांट कर दी थी इस ग्राउंड पे कि जो एक विटनेस है वो हॉस्टाइल हो गया है। आइए आप देखते हैं इसमें हुआ क्या था केस में और माननीय कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, उस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्रिमिनल अपील नंबर 2078 ऑफ 2023 जो कि स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल 8935 और 2023 से अरेस्ट हुई है और यहाँ पर अपील जो थी वो प्रेफर्ड की थी, जिसमें जजमेंट को चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ राजस्थान एट जोधपुर। ये 14 फरवरी 2022 के ऑर्डर को चैलेंज किया था, जिसमें रिस्पोंडेंट्स को, जो रिस्पोंडेंट्स के नाम सुवंशो थे, उनको बेल ग्रांट कर दी थी इन कनेक्शन विद द एफआईआर जो लॉन्च की गई थी सुवंशो पुलिस स्टेशन राजस्थान में, पनिशेबल अंडर 302 334 ऑफ इंडियन पिनल कोड एंड सेक्शन 3 ऑफ रीड विद सेक्शन 25 एंड 27 ऑफ द आर्म्स एक्ट। अब फैक्ट्स ये थे कि जो अपीलेंट है वो ब्रदर है डिसीज्ड के और डिसीज्ड का इन्फॉर्मेंट जो अपीलेंट इन्फॉर्मेंट भी है, उन्होंने एफआईआर लॉन्च की थी 4 लोगों के अगेंस्ट में, जिसमें 3 अक्यूज्ड हैं और एफआईआर जो है वो इसमें बताया गया था कि सो एंड सो टाइम के बीच में जब उनके जो एल्डर ब्रदर हैं जिनकी उम्र 25 साल है, उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल लिव इन रिलेशन था एक लेडी के साथ, तो फिर वो जो कि वो लेडी ऑलरेडी मैरिड थी, तो उससे अनहैप्पीनेस होने की वजह से, लिव इन रिलेशनशिप के अनहैप्पीनेस होने से, जो पेरेंट्स थे और पेरेंट्स इन लॉ थे उस लेडी के, उन्होंने थ्रेटन किया था कि अपीलेंट्स के ब्रदर को थ्रेटन किया था और कई बार उनको कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे गए थे। 17 मई 2020 को इन्फॉर्मेंट के जो नेफ्यू ने एक टेलीफोनिकली इन्फॉर्म किया कि एक वीडियो जो ब्रदर हैं, जो डिसीज्ड के जो ब्रदर हैं, जो जिनकी डेथ हो गई है, उनका एक सर्कुलेट किया गया है सोशल मीडिया पे। अब वो जो इंसिडेंट जो बताया गया था सुवंशो जगह का, वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली और इन्फॉर्मेंट और उनके जो फादर हैं उस जगह पे गए, वहाँ पर पाया कि जो उनके ब्रदर जो है मृत अवस्था में पाए गए हैं, जो ब्लड जो है रिब्स से आ रहा है, मींस फेफड़ों से जो ब्लड्स आ रहा है। और इसके बाद इन्फॉर्मेंट को पता चला कि 4 अक्यूज्ड आए थे, जिनके 2 के जो जिनके नाम ऊपर बताए गए हैं, और वो 2 मोटरसाइकिल्स पे आए थे, उन्होंने डिसीज्ड को खींच के ले गए थे जब वो सब्जियां खरीद रहे थे और उनको गोली मार दी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और 18 फरवरी 2020 को एक जो एफआईआर थी वो लॉन्च की गई थी और अगर उसमें ये बताया गया था डिसीज्ड ने जो डॉटर इन लॉ को किडनैप कर लिया था। अब डॉटर इन लॉ ने जो जिनका नाम लिया गया था, उन्होंने भी एक एफआईआर लॉन्च की थी ब्रदर इन लॉ और पेरेंट्स लॉ के अगेंस्ट में 498-376 के अंदर इंडियन पिनल कोड। अब ये तो बात की थी, और पहले जो एफआईआर जो लॉन्च, जो यहाँ पर जो अपीलेंट ने लॉन्च की थी, उसके आधार पे रिस्पोंडेंट्स को अरेस्ट कर लिया और जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, पुलिस ने चार्जशीट फाइल की, 8 लोगों के अक्यूज्ड बनाया, जिसमें रिस्पोंडेंट्स भी थे, और एक अक्यूज्ड के ऊपर 302, 120B और 3 एंड 325 एंड 27 आर्म्स एक्ट लगाया और बाकी जो दूसरे रिस्पोंडेंट अक्यूज थे उनके ऊपर 302 और 120B का मुकदमा लगाया। उसके बाद रिस्पोंडेंट ने अपनी बेल लगाई, बेल कैंसिल्ड हो गई, उसके बाद हाई कोर्ट में लगाई 439 के अंदर, वो भी डिसमिस हो गई, सेकेंड बेल लगाई। अब सेकेंड बेल लगाने के बाद कोर्ट ने जो है वो बेल ग्रांट कर दी हाई कोर्ट ने, और उसके बाद 2 बेल एप्लीकेशन और फाइल की, उसको भी बेल, उनको भी बेल ग्रांट कर दी नीचे की हाई कोर्ट ने, मींस हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। और उसके बाद यहां पर अब उससे एग्रीड होकर बेल के जो ऑर्डर था तो उसको चैलेंज किया था, यहां पर दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स रेज किए। अब माननीय कोर्ट ने क्या निर्णय दिया उस पर हम चलते हैं। कोर्ट ने कहा कि
जब भी बेल ग्रांट करते हैं तो पहली कंडीशन को यह देखना है कि सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस क्या है। अक्यूज जो है वो जस्टिस से भाग सकता है और इम्पैक्ट क्या होगा अक्यूज का प्रोसिक्यूशन विटनेस पे, और अक्यूज क्या वो टेम्पर कर सकता है एविडेंस को। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, लेकिन ये सारे फैक्टर्स को देखना होता है जब भी बेल कोर्ट बेल ग्रांट करती है। ये सारी जजमेंट्स का एग्जाम्पल्स दिए जो पहले ऐसे कोर्ट ने ऐसा निर्णय सुना चुकी है। कोर्ट ने यह भी रूल किया कि जब बेल ग्रांट करते समय मैकेनिकल मैनर में बेल नहीं ग्रांट करनी चाहिए, और बिना रिकॉर्ड किए रीजंस को भी जिससे नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड के झलक आए और जो कि ऐसा ऑर्डर जो होगा इलीगल होगा। और दूसरी जजमेंट्स पर भी गौर किया, और कोर्ट ने जो पिछली प्रेसिडेंट्स उसके ऊपर गौर किया, उन्होंने ये बताया कि जो ऑर्डर दिया गया था बेल को अक्यूज को, अगर जो कॉजुअल और क्रिप्टिक मैनर में दिया जाएगा तो वो उसको कोर्ट को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का पावर है उसको सेट असाइड कर सकती है अंडर आर्टिकल 36 के अंदर। रीजन देना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बताया कि रीजन ऑफ द सोल ऑफ द लॉ, अगर रीजन जो पर्टिकुलर केस का नहीं होगा तो लॉ भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया कि रीजनिंग नहीं दी गई थी और जो एलिगेशन थी वो सीरियस थी। अब यहाँ पर एक बताया कि एक जो विटनेस थी जो लेडी थी जो उन्होंने हॉस्टाइल हो गई थी, तो यहाँ पर ये भी कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि प्रेशराइज्ड किया गया हो, लेकिन सीरियसनेस थी इस केस में, एलिगेशंस थी एक तो अक्यूज्ड के अगेंस्ट में, सेक्शन जो ऑफेंसेस थे 302 120 सेक्शन 325 और 27 आर्म्स एक्ट के अंदर, और दूसरे अक्यूज को 302 120 के अंदर थी। एलिगेशन सिर्फ ये नहीं थी कि कॉन्सिक्वेंसी की गई है उन्होंने, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया था मर्डर पे। तो इंस्टेंस जो बताया गया था, इंसिडेंट को बताया गया था कि ऑनर किलिंग की तरह किया गया है, ये इंस्टेंस जो है ऑनर किलिंग था। चार्जशीट को भी कोर्ट ने प्रिज्यूम किया, चार्जशीट में भी मटेरियल्स निकल के आया कि ये उन्होंने एक बुलेट शॉट थी वो डिसीज्ड के ऊपर की थी, चेस्ट और बैक पे मारी थी जिसकी वजह से डेथ हुई। अब यहाँ पे कहा कि सारी चीजें देखने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि एक्विजिशन जो है वो प्राइम फेशिया वो फुली फॉल्स है, प्रिविलेज है, वैक्सीटियस है, जिसकी वजह से बेल ग्रांट की जानी चाहिए, बट कोई ओपिनियन नहीं देती है कोर्ट है इस केस में अभी मेरिट्स पे। लेकिन यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने एक एडिक्वेट मटीरियल जो है वो रिकॉर्ड में ले आया है जिससे प्राइम फेशिया केस बनता है कि अक्यूज्ड का जो गिल्टनेस साबित होती है प्राइम फेशिया। मेरिट्स पे कोर्ट में अभी कुछ नहीं कमेंट किया। तो इस सारे विटनेस को कहा कि सिर्फ एक विटनेस थी जो हॉस्टाइल होगी, तो ये भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया हो, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, टेम्पर भी किया जा सकता है, अगर और भी विटनेस को भी टेम्पर कर सकते हैं अगर उनको बेल पर ग्रांट कर दिया जाए। तो इस सारे केसेस को देखते हुए जो बेल थी उनको कैंसिल कर दिया, और बेल वॉल्स से उसको कैंसिल कर दिया, और डायरेक्शन थी कि सरेंडर करें 2 वीक्स फ्रॉम टुडे। ये था ऑर्डर 22 जुलाई 2023 का। तो ये था वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।